ये बिंद की है, बिंद की फतेहपुर। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे खजुआ है, खजुआ ज़िला फतेहपुर, वहाँ पे बावन इमली आज आपको दिखाता हूँ। 1857 को 52 इंडियन को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी एक इमली के झाड़ पे, इसीलिए उसका नाम है बावन इमली। हमारे साथ बने रहें, दिखाता हूँ। मैं शाहिद मुंबई भाई से। मामू आप खेत भी दिखा देंगे जो कहे थे आप। हाँ 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 खेत भी लेके डाल मोटर जो पैसा संपर्क बढ़ना है। जमीन तो आजकल बैंक से पैसा निकालने में लेट होगा, बैंक जमीन फौरन ले। एक फ्रेंड का दिखा रहा है मामू बैग की जगह सामने का बैग कैमरा इधर है। जब रिवर्स लेंगे ना तो यहाँ पे दिखता है। कहाँ पे है? वहां से ये बाबा जी नार के पास। अच्छा वो लोग अकेले जा रहे थे बाइक से, वो लोग फोन किए थे यार सदा तो कहते हम लोग भी आ रहे थे। हाँ यार हम लोग तो निकल आए हैं तो हम सदा को भेज रहे हैं। ज्यादा लोग हो जाते तो अच्छा लगता है। अब वो भी हमसे कहे थे टहलाओ नीलो लोग कह रहे थे एक साथ सबको टहला दिए टहल भी बन गया। शाहिद मामू से तो अगली बार कॉलेज से फुर्सत नहीं मिल पाई। यहाँ जो बगल में देखें भीड़ ये जानवर की बाजार लगती है मामू। हाँ हम लोग आया करते थे यहाँ। अच्छा हाँ यहाँ पे एक झूला पड़ा था उसमें झूला करते थे। जब बचपन में खूब आते रहे होंगे। अरे वो यहाँ एक एक महीना रहते थे। अच्छा नहीं यार तुम्हें इतना हमारे फतेहपुर जाते वो तो बहुत पुरानी बात है, बहुत बात की बात है। तो तब का याद और नहीं याद। थोड़ा स्लो कर लेना मामू, इधर लेफ्ट पे चलना है ये नहर की। कौन से लेफ्ट? ये चलना यही स्लो करके मोड़ लीजिए। ये तो जिगनी वाली रोड है। ये सीधे जाएगी सरकंडी, सरकंडी से भी मोड़ जाती है आलमगंज, आलमगंज से पहले जिगनी की जाती है। सामने से कोई गाड़ी आ गई थी आगे रोड में। ये तो हम चक्कर में
ये बिकेंगे, ये बेचते हैं अगर सिंगाड़ा, हम आपको बताएंगे। नहीं सिंगाड़ा वाले नहीं, सिंगाड़ा वाले ऊपर से। अच्छा दूसरे नंबर सिंगाड़ा वाला खट्टा करके बोया है क्या? हाँ खट्टा करके पानी भर के तब बोया गया है, कमाई इसमें भी अच्छी है। बाकी ये सामने जितना आप देख रहे हैं, तुम कहाँ बता रहे थे? इसी साइड बता रहे थे। कहाँ पे? यही इसी के ऊपर, उसके पीछे। तो ये सब अपने लोगों के लिए चल रही पूरी पट्टी रोड तक अपनी के लिए पूरा। हाँ अभी मेन रोड तक, मेन रोड तक गई। हाँ और रोड की उस पट्टी में एकदम रोड के ऊपर जो है 2.5 बीघा है, उसे बेचना नहीं उसको तो सब लोग पाँचों काम है वो भी है, लोगों को 10-10 फ्लैट मिलेंगे, फ्लैटिंग होगी तो हमें क्या, बच्चों के टाइम पे काम आएंगे, अबू लोग लेके गए, दादा लिए, पोते काम आएंगे। ये जो मकान वाले दूसरे के, ये दूसरे का इतना कोना दूसरे का। रोड पे नहीं, रोड टच नहीं मिल रहा है? रोड टच नहीं मिल रहा है, रोड टच बहुत ज्यादा कॉस्टली है। दिखा रहे हैं आपको एक रोड टच बिका है 1.5 करोड़ का, लेकिन वो 4 बीघा था और उसमें उन्होंने अच्छी खासी प्लाटिंग, वो एक एक प्लाट 12-12 लाख का बेच के 15-15 लाख। अच्छा हमारे दोस्त के ही लोगों का था। 12-15 का भाव चल रहा है इधर? हाँ बहुत महंगा यहाँ, ये आलमगंज मिस्त्री वाले बहुत रेट बढ़ा दिए। सब सऊदी वाले हैं? सब सऊदी वाले हैं, बॉम्बे वाले, सऊदी वाले। एक गाँव है नहीं घड़ी की तरफ, गलियाँ पतली पतली और बिल्डिंग बिल्कुल हैवी खड़ी है, रहने वाला कोई नहीं है। अच्छा केवल शादी बारात में आते हैं, एक दूसरे टेंशन में लगाते हैं। हाँ केवल टेंशन में, क्योंकि इतनी होती तो मेरी इतनी होती है। जैसे मान लिया मामू फतेहपुर वाला अपना पूरा बना दे, लेकिन आते कब है जब शादी वादी होती है, बाकी रहना तो वही है। गधा है मालूम है, निकल नहीं पाएगा फिर भी कोशिश कर रहा है। बड़ी गाड़ी होती ठोक, ये मारने वाले हैं, मरने वाले नहीं है। वापसी में मामू यहाँ से आपको शुद्ध गुड़ दिला देंगे। विंडो खुलेगी होगा ना? हाँ गन्ने का मिलता है, थोड़ी यहाँ से मिल जाएगा प्योर। अगली बार मामू कह रहे थे ना, लेकिन ये कि प्लेन से जाना था तो कह रहे थे ज़्यादा लेने पाएंगे, जितना चाहे रख ले गाड़ी को। खूंटा 11 किलोमीटर? देख रहे हैं आप ये घुमटी रखी है। हाँ ये वाले प्लाटिंग, ये पूरा 1.5 करोड़ का बिका है। अच्छा इतना इतना बिका है 1.5 करोड़ का उन्होंने इसमें प्लाटिंग। प्लाट का साइज क्या है? प्लाट का साइज 20x40, बहुत छोटा है। चौड़ाई यहाँ पीछे की, हमारे फतेहपुर में सस्ता है, फतेहपुर में बहुत सस्ता है। यहाँ बताया ना बेंकी के लिए आलमगंज दिखनी वालों ने महंगा कर दिया। अच्छा मतलब फिर निकला ये मतलब ये काम। हाँ स्लो कर लेना वहाँ, रोड तो अच्छी बस, रोक ले रोक ले रोक, साइड में लगा दो। यहाँ घुसा दूँ? नहीं हाँ घुसा ये कर दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं समझ रहा था कि 52 झाड़ है यहाँ पे, 52 इमली बोलते हैं। नहीं 52 लोगों को फांसी देने की वजह से इसको 52 इमली कहा जाता है, इस इमली पेड़ में 52। ये एक झाड़ का नाम है 52 इमली क्योंकि इसमें 52 लोगों को फांसी दी गई थी 1857 स्टार्टिंग में ही। हाँ जब क्रांति हुई थी खास होता हूँ। अच्छा अच्छा गणेश वर्मा शहीदों की स्मृति 1957 बना है। ये तो सुंदरीकरण हुआ है लेकिन जो है नामकरण सुंदरीकरण। और ये कौन है? ये तो मेजर रमेश चंद्र, ये है मेन जो दर्शन अटैया, ये उन 52 लोगों के लीडर थे। ये 52 लोगों के लीडर थे जिनको फांसी दी गई थी, उनमें से ये भी एक थे, उनके ये मुखिया थे। इसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है।
28 अप्रैल 1858। तो सब लोगों को ऐसे ही 12-15 दिन तक लटका के छोड़ दिया था, कोई उतारता नहीं था, कोई नहीं जाता था, सब पूरा मांस वांस निकल गया था। ये कौन है? ये एक ऐसे ही वीर सैनिक है, शहीद नहीं हो जाते हैं तो फौज में, बहुत बात के हैं। हाँ, तो ये बात के अभी ये लेटेस्ट है, तो इनको भी यहाँ पे सम्मान के रूप में। अच्छा, अच्छा। और ये पर्यटन विभाग भारत सरकार के अंडर में है। हाँ, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है। हाँ, प्राइवेट नहीं है। हाँ, और उधर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं ना। हाँ, ये जो 3 सुलाए हैं, ये लोगों के नाम लिखे। हाँ, अरे हाँ, हिंदी में लिखे हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं अंदर। हाँ, हाँ। सबके नाम है अंदर नहीं यार। 20-20, 40 और 12 लोगों के इधर नाम है। उसके वो सूर्य पत्थर को नाम डिलीट हो गया, लेकिन 40 और 12 52। असल में स्याही मिट गई, खोदा हुआ अभी भी मौजूद है। हाँ। वापस पेंट कर सकते हैं। और ये मीनार कहीं के लिए बनाया? सम्मान में, स्मृति में। अच्छा अच्छा, ये इसमें इमली होती है अभी भी? हाँ होती है, बताते हैं कि लाल इमली निकलती इसमें, खाने लायक नहीं रहती। नहीं, इमली दो मिल की आती है ना, लाल इमली भी आती है। अच्छा अच्छा, कोई खाता होता नहीं है। मेन चीज इतने आंधी तूफान आए बरकरार है, सबसे मेन चीज तो ये। हाँ। तुम्हें ज्यादा जानकारी क्योंकि तुम यहीं के रहने वाले हो ना। हमारा सब्जेक्ट भी यही है, हिस्ट्री। टीचर हो? अच्छा, बच्चे लोग थोड़ा झूला वूला झूल लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। बनाया बहुत अच्छा है, हरा भरा बहुत अच्छा था। ये तो सब उजड़ गया है, लोग यहाँ के तमाम पेड़ उखाड़ ले जाते थे अपने घर में लगाने के लिए। बहुत अच्छा था। अच्छा, वो जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो आईटी है, इसका हिस्सा नहीं है? इसका हिस्सा नहीं, इसका हिस्सा यही बनाई और पीछे नहीं हो रहा है, सभी ये सब झाड़ी वगैरह निकल आई है। हाँ, इसकी छटाई नहीं हो रही है, भरा था, ये पूरा कमल बना हुआ है। अच्छा अच्छा, लापरवाही में छोड़ दिया इसको। लापरवाही है, कोई एक्शन ले तो अभी काम हो। हाँ, यहाँ पे एक्शन कब होता है? जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है। हाँ, हाँ, उस टाइम झंडा रोहण होता है, तो ये सब साफ सफाई होती है, साफ सफाई होती है, फिर छोड़ देते हैं। कमल का फूल बना था, आगे बहुत दूर तक रास्ता था। अच्छा, कमल का फूल है ये, और इसमें झाड़ू ये पानी भरा रहता है। हाँ, इसमें पानी भरा रहता है, लेकिन अभी हालत बुरी है इसकी, इसलिए बंद कर दिया गया इसको, क्योंकि लोग आकर के तमाम कॉलेज के लड़के लड़कियाँ मिसयूज कर रहे थे। अच्छा, उस वजह से बंद कर दिया। यहाँ चला जाए कौन देखे, घुस के नहाने लगते रहे होंगे। नहाने नहीं, गलत सलत हरकतों में लिप्त हो जाते थे, चले गए इतनी दूर कौन, या बहुत पीछे तक है तो वहाँ कौन देखने। अच्छा, बंद कर दिए, जाओ मत। हाँ, जाओ मत, कभी तमाम लोग आ जाते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं मिली अभी तक, कोई ध्यान नहीं रखने वाला। नहीं तो मेन गेट बंद कर दिए, ये तो हम लोग बगल वाले से आ गए, वन विभाग वाले से। अच्छा अच्छा, पीछे से इसका नहीं है। हाँ, उधर से रास्ता खुली तो आ गए। झाड़ बहुत है। पता नहीं बोरिंग क्यों कहते हैं इसराइल को। अरे टेढ़े हो यार, गिर जाओगे, टेढ़े हो। अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, इनको बोरिंग कहते हैं। धीरे धीरे।
छोड़ दो। अरे यार वो आते ही डर लगता है। तुम्हारा टिकटॉक वाला वीडियो वायरल हुआ था, गाली पकड़े थे ना तुम? कौन पकड़ा था? वकील। कब? बड़ा डेंजर वीडियो बनाया था। कब? बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए। अरे रुक जाओ। धीरे धीरे छोड़ दो, कहीं दूर ना कहीं नहीं टीचर की हवा टाइट हो गई। अगर ये ना हाथ फंसा दे तो हाथ इसमें स्लिप कर रहा है यार, पकड़ने बस वही तो की। मामा हम भी झूलेंगे। हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, हाथ बुलाओ स्लोली स्लोली। इसमें स्लिप हो रहा है, मजा नहीं। उतर जाओ पुत्र, तुम उतर जाओ। स्लिप कर रहा था ना, इतनी स्लिप चलता है। इसको दाल तो खा जाएगा। धीरे धीरे आ जाना झूलो। ला मोबाइल ला, कहाँ कहाँ रखा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.